मेरा नाम सुखदेव सिंह है ते मेरे स्कूल का नाम सरकारी हाई स्कूल वडाला कला वडाला खुरद है। मैं एक वैक्यूम क्लीनर का मॉडल तैयार किया है। इस विच मैं एक प्लास्टिक की बोतल, एक डीसी मोटर, एक 9 वोल्ट की बैटरी, एक स्विच नाल कनैक्ट वायरस लिया हुई हाँ। मैं एक प्लास्टिक की बोतल लैके उसनों विचकार तो दो हिस्सों में कट लिया है ते बोतल के पिछे वाले हिस्से मैं छोटे छोटे जिहड़े शेक किए हुए हैं ते बोतल के पिछले पासे मैं एक डीसी मोटर लगाई हुई है, उसके अगले पासे एक मैं पखी लगाई हुई है ते बोतल के अगले पासे वाले हिस्से मैं एक फ्लैक्सीबल पाइप लाया हुआ है ते एक नैट का जाली का इस्तेमाल किया हुआ है ता जो डस्ट पार्टिकल पिछे ना जा सकन। हुण मैं तुहानू समझाऊंगा कि मेरा जिहड़ा वैक्यूम क्लीनर है ये किस सिद्धांत पर काम करता है। वैक्यूम क्लीनर बर्नौली के सिद्धांत के आधार पर काम करता है। ये दसता है कि हवा की गति जो हवा की गति वधदी है तो दबाव घटता है। हवा हमेशा वध दबाव तो घट दबाव वल चलती है ता जो हवा के दबाव का संतुलन बनिया रहे। हुण मैं तुहानू अपने वैक्यूम क्लीनर के मॉडल की वर्किंग समझाऊंगा। जदों असी वैक्यूम क्लीनर का स्विच ऑन करते हाँ तो मोटर चलना शुरू करती है ते उस तो बाद पक्षी भी घूमना शुरू कर देती है तो पक्षी बोतल के अगले हिस्से वाली सारी दबा हवा नू बाहर कर देती है तो बोतल के अगले हिस्से के पाइप के हवा का दबाव बहुत घट जाता है। जो इस डस्ट पार्टिकल नज़दीक करते हाँ तो डस्ट पार्टिकल बोतल के अंदर या वैक्यूम क्लीनर के अंदर जाना शुरू कर देंगे। इसका कारण यह है कि बोतल के अंदर दबाव घट जाने कारण या वैक्यूम क्लीनर दबाव घट जाने कारण डस्ट पार्टिकल के बाहरले पासे दबाव वध है, जिस करके यह वध दबाव तो घट दबाव वाल बोतल के अंदर जाना शुरू कर देंगे तो बोतल के अगले हिस्से के इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।